बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो MTH 100 का रिमेनिंग जो पार्ट रह गया था उसको हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो है ना, हम एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल है हमारे पास है 4 - 6 iota प्लस माइनस 3 + 7 iota। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमें सिंपल प्लस का रूल जो है ना वो अप्लाई करना है। तो 4 - 6 iota, ये हमारे पास प्लस आ गया 3 + 7 iota। अब हम जो रियल नंबर्स उनको अलग कर लेंगे, 4 + 3 और ये -6 iota + 7 iota। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 and 3 7, और 7 iota में से हम 6 iota माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है प्लस iota, यानी कि 7 में से 6 निकाल दो तो 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, हम इसको जो है ना मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल करेक्ट कंसीडर होगा। इस तरह से है 10 - 4 iota - 5 - 2 iota। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 10 - 4 iota एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5 - -+2 iota। ठीक है, अब हम 10 - 5 को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और ये -4 iota + 2 iota, तो 10 में से 5 माइनस करें तो 5 आ जाता है, और -2 iota में से 2 iota को माइनस करें तो हमारे पास आ गया -2 iota। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन का रूल आ जाए तो उसमें, अगर हमारे पास लेट सपोज है हमारे पास क्वेश्चन, हम इसको क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं, 2 - 4 iota - 3 + 5 iota। अब इसमें इन्होंने हमें जो है ना वो कोई साइन नहीं दिया हुआ, हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस 2 को लेंगे और ये अंदर वाली 7 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 5 iota से। ठीक है, अब इस -4 iota को लेंगे और इस 3 + 5 iota से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये 2 3s are 6 + 2 5s are 10 iota, -4 3s are 12 iota, और 4 + -4 5s are 20, ये iota और ये iota की स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया 6 + 10 iota माइनस, ये हमारे पास है 12 iota। ठीक है, अब ये हमारे पास है माइनस, ये 20 था 20 लिखा, और iota स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमने जहाँ पर iota स्क्वायर उसकी जगह लिखा -1। ठीक है, ये 6 प्लस, ये हमारे पास 12 iota में से अगर हम 10 iota माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है 2 iota। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये आ गया 20, 20 एंड 6 को ऐड कर तो हमारे पास आता है 26, ये -2 iota, और ये हमारे पास आ जाएगा +26। हम इसको स्टार्ट में लिख लेंगे 26 - 2 iota, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के साथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट क्या है भाई, अगर मेरे पास है ना a + b iota, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं ये जो हमारे पास नंबर होता है ना इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ जो साइन होता है ना उसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है कॉन्जुगेट। ये देखिए a है ना, तो ये प्लस iota, तो यहाँ पे लिखो -b iota, तो ये हमारे पास ये अगर हमारा z था ना तो ये हमारे पास बन गया z बार, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, कुछ इन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, कहते हैं कि अगर हम z है ना उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसका फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो z के ही इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर हम z को लें और उसको हम किसी z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रियल पार्ट आएगा। इसी तरह से आपने इसको कर करके देख लेना, अगर हम इसको MCQ के तौर पर जो है ना आपने अच्छे से देख लेना। आगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिवीजन क्या करते हैं, डिवीजन में हम ऐसा करते हैं हम इसकी ना रैशनलाइजिंग कर लेते हैं, यानी कि a + b iota c + d iota, हमारे पास a + b iota c + d iota था ना, हमने क्या किया, हमने c + d iota को रैशनलाइजिंग कर लिया, यानी कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको हम ना एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है जो इन्होंने दी हुई है ना, यही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 + 11 iota / -1 - 2 iota। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 3 + 11 iota / -1 - 2 iota। ये बड़ा जो है ना ये लॉन्ग पार्ट में जो है ना आ सकता है, और बल्कि ये आया भी हुआ है, इसलिए आपने ना इन क्वेश्चंस को जो है ना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवीजन के साथ, इनको अच्छे से देख लेना। अब हमने ये क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली वैल्यू को, सिर्फ इसका ये देखें -1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे -2 iota था, यहाँ पे हम करेंगे +2 iota, और नीचे भी आ जाएगा -1 +
टू अयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई नीचे वाली, ये पहली वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का, यानी कि ये हमारे पास जो नीचे बन रहा है ना वो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम क्या करते होते हैं ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाली थ्री प्लस इलेवन अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन प्लस टू अयोटा के साथ, वो ऐसे ही लिख लिया। अब इस थ्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगी होल वैल्यू के साथ माइनस वन प्लस टू अयोटा के साथ, और बीच में प्लस है, इलेवन अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन प्लस टू अयोटा के साथ, ठीक है। और नीचे वन वन का स्क्वायर हम वन ही आ जाएगा माइनस, ये टू टू जार फोर हो गया और अयोटा की स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि फोर टू के साथ भी हमारे पास स्क्वायर है पावर में और हमारे पास अयोटा के साथ भी स्क्वायर है। नेक्स्ट थ्री वन जार माइनस थ्री, थ्री टू जार प्लस सिक्स अयोटा, फिर प्लस इलेवन वन जार माइनस इलेवन अयोटा, फिर प्लस 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 और इलेवन टू जार 22, और ये अयोटा 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 की स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस, ये हमारे पास 4 था और अयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4, और ये ऊपर माइनस 3 प्लस 6 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 11 अयोटा प्लस 22, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया माइनस 3। अब 11 अयोटा में से 6 अयोटा को 5 माइनस करें, हमारे पास आता है माइनस 5 अयोटा। बर्थडे कम के साथ माइनस का साइन था इसलिए हमने ये लगाया, और 11 में 6 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है। 11 में से 6 माइनस करें, सॉरी यहाँ पे जो है ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 3 और माइनस 5 अयोटा ही आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 22, और ये हमारे पास नीचे आ गया 5, 22 और ये हमारे पास 3 मिलके बन जाएगा माइनस 25, तो माइनस 25 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस को कॉमन निकाल लो, और अगर हम यहाँ से 5 को भी कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचता है माइनस 5 प्लस अयोटा, तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी, तो इसको जो है ना आपने अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसको हमने जो ना हमारे पास अगर हमारे पास आ गया ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ठीक है, इसका हम जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली अयोटा के साथ वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास है माइनस टू प्लस फाइव अयोटा, हम क्या करेंगे, अंडर रूट फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का और बी स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू टू जो फोर प्लस फाइव फाइव जो 25 अंडर रूट 29 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको जो है ना इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने बस इन रूल्स को अच्छे से याद रखना है और जो है ना इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।